Hey yo, what is up everyone, welcome back to the channel. This is Richard. I hope you are all doing great. So guys, आज का मेरा दिन, रात की बड़ी बारिश पड़ रही थी पर अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और मैं जा रहा हूँ आज अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कॉमनवेल्थ बैंक में, जो कि चाचू के घर से 30 मिनट्स की वॉक पे है और टच वाइज थोड़ा बिजी थे क्रिसमस के कारण, जॉब से काफ़ी ज़्यादा बिजी थे वो, तो मेरे साथ जा नहीं सके, तो इसलिए मैं अकेला जा रहा हूँ। चलो थोड़ी सी स्ट्रगल करनी भी चाहिए, इट्स द बिगनिंग ब्रो। सो चलते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जाके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्टूडेंट के लिए अकाउंट खुलवाने के लिए। मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी कर रहा हूँ और वहाँ जाके आपको मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। एक बार मैं अपना अकाउंट खुलवा लूँगा, फिर जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी मैं सारा कुछ वीडियो में डिटेल्स दे दूँगा आपको। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और मिलते हैं आगे। चलो गाइस, ये पेडेस्ट्रियंस के लिए जगह बनी हुई है सारी वॉकिंग के लिए, ये अलग है यहाँ पे रोड्स कार्स के लिए और व्हीकल्स के लिए, और इस पर साइकिलिंग भी कर सकते हैं, इस पर साइकिल्स भी ले जा सकते हैं और वॉकिंग रनिंग कुछ भी कर सकते हैं, अलग लेना है। सारी हर जगह बनी होती है ये, यहाँ से अराउंड 30 मिनट्स की वॉक है, डेढ़ या दो किलोमीटर है कॉमनवेल्थ बैंक। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, रात से काफ़ी बारिश हो रही थी और काफ़ी धूप रुकी हुई, अभी थोड़ी सी धूप निकली है, अब ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पर। यहाँ पे 3 मेन अपने फूड मार्केट चेन्स है, सुपर मार्केट चेन्स है, एक है ऑल्डी, एक है कॉल्स और एक है वूल्सवर्थ्स, यही 3 मेन यहाँ पे चलती हैं। काफ़ी रीजनेबल रेट्स हैं इनके। थोड़ा सा आगे जाके मिलता हूँ आपको। भाई आपको जब भी रोड क्रॉस करनी होती है ये बटन प्रेस करना होता है, जब भी हमें क्रॉस करना होता है तो इधर बीप होगा तभी हम क्रॉस कर सकते हैं, तब ये सारी कार्स रुक जाएंगी हमारे लिए। ये पेडेस्ट्रियन वॉक है, अभी बीप होगा फिर जा सकते हैं। अभी बीप नहीं हुआ तो नहीं जा सकते। मैं आपको दिखाता हूँ बीप होगा। उधर भी अभी रेड लाइट है, हो गया थी क्रॉस। सीधा फिर आगे जाके मिलता हूँ। 15 मिनट हो गए मेरे को चलते हुए और अभी ये थोड़ी सी मार्केट आई है, पहले इसके वो डक्स मसाज, बालमोर रोड है, बालमोर पता नहीं क्या कहते हैं, BALMORE, बस इसी रोड पे कहीं आस पास ही है वो भी बैंक भी। मैं एक बार पहुँच जाऊँ आपको फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे छोटी सी मार्केट बनी हुई है, चलो मैं आपको वहाँ जाके फिर दिखाता हूँ।
गाइस मैं बैंक पहुंच गया हूं, अभी यहां पे वेट करने को बोला उन्होंने, डॉक्यूमेंट जो होंगे वो आपको बता दूंगा, अभी वेटिंग में बैठा हूं मैं, जब जैसे ही मेरा बैंक अकाउंट का कोई प्रोसेस शुरू होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सो गाइस सब कुछ हो गया, ये मेरे को मिल गया मेरा नंबर, इस पे मेरा अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ मेंशनड है, मैंने पैसे भी जमा करा दिए अभी थोड़े बहुत, और सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। इन्होंने सिर्फ मेरे से मांगा मेरा पासपोर्ट, COE और मेरा वीज़ा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं मांगा। बहुत इजी था, बहुत अपना पोलाइट स्टाफ है, बहुत ज़्यादा इजीली सब कुछ करवा देते हैं ये कॉमनवेल्थ बैंक। मेरे को अराउंड 15-20 मिनट्स लगे, मेरा अकाउंट ओपन हो गया, बस अब मैं जा रहा हूँ वापस घर पे, बाकी आपको घर जाके बताता हूँ भाई, घर जाके मिलता हूँ। लो भाई, कांड हो गया, रास्ता भूल गया, आया उसी रास्ते से वापस, उसी रास्ते मतलब गया उसी रास्ते से वापस, उसी रास्ते से आया था तो वो घर आया ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ पहुँच गया हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी, अब बुरा हाल हो रहा है, इस टाइम कोई रोड पे है भी नहीं, जिससे पूछ हम गाड़ियाँ निकल रही हैं, बस गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, प्यास लगी, देख रहा हूँ क्या करना है, देखूँ कोई मिलता है तो। और मेरे पास अभी सिम भी नहीं है, नेट भी नहीं चल रहा मेरा, पता नहीं क्या होगा, चलो देखता हूँ मैं, कोई मिलता है तो पता तो करना ही पड़ेगा, चलो देखता हूँ मैं बताता हूँ। ऊपर से मैं सनस्क्रीन लगानी भूल गया, मेरी पूरी स्किन रेड रेड हो गई, रैशेज से हो गए हैं। चलो मिलता हूँ, कुछ शॉर्ट आउट करके मैं फिर मिलता हूँ आपको भाई, बहुत गर्मी है अभी भाई, बुरी हालत हो गई, ऐसे ही घूम ही जा रहा हूँ आधे घंटे से, कोई भी नहीं मिल रहा, कोई पेडेस्ट्रियंस है ही नहीं यहाँ पे, सभी गाड़ियाँ ही हैं, क्योंकि धूप है इस टाइम, गर्मी है तो कोई भी बाहर नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, आई विल फिगर इट आउट, आई डोंट नो। चलो देखता हूँ, सामने 7-Eleven है, वहाँ जाता हूँ, पानी भी लेता हूँ, रास्ता भी पूछता हूँ, चलो मिलता हूँ, बोरा सामने 7-Eleven, चलो मिलता हूँ आपको जरा। गाइस ये मिला 7-Eleven से पीने को, मैंने लिया मॉन्स्टर, शुक्र है मेरे पास कैश था। अभी मैंने किसी से पूछा यहाँ पे, 3-4 से पूछा, उन्हें तो समझ ही नहीं आया, पर मैंने पूछा उन्होंने गूगल मैप्स में एड्रेस, मेरे पास एड्रेस भी था बाई चांस, तो उन्होंने मेरे को गूगल मैप से निकाल के इधर एड्रेस समझा दिया। और देखो अभी चल रहा हूँ, मेरे को पूरा 1 घंटा हो गया चलते हुए, और अभी जा रहा हूँ, होपफुली इस बार मिल जाए, चलो मैं देखता हूँ, अगर फिर से दिक्कत आई फिर से व्लॉग बनाना शुरू, नहीं तो सीधा घर पे मिलता हूँ भाई, बुरी हालत हो गई है भाई, कहाँ से घूम घाम के मैं वो मेडिसिन वाली जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी आपको जाते टाइम, वहाँ पे निकला हूँ, वहाँ से निकला हूँ मैं मेडिकल शॉप के साथ से, मुझे लग रहा है मैंने पूरा रिवर रोड घूम लिया है, अब थोड़ी सी मेर की किरण दिखी और यहाँ से तो सीधा सीधा ही है, मैं जा रहा हूँ, बुरी हालत हो गई मेरी भाई, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई, चलो मैं जा रहा हूँ, मैं मिलता हूँ भाई। अच्छी बात हुई आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश वाला मौसम है, लो जी देख लो ये भी स्केटबोर्ड्स, ओए होए होए होए, मौसम बहुत अच्छा है, इसी कारण बच गए, नहीं तो गर्मी होती, मैं तो आज ख़त्म था, मेरी पूरी बाजू पर रैशेज हो गए थे, मैं 7-Eleven पर थोड़ी देर वहाँ बैठा तो थोड़ा सा ठीक हुआ, तो भाई ख़त्म था मैं आज, शुक्र है रास्ता निकला, पर खुद ढूंढा, ना मेरा इंटरनेट चल रहा है ना फ़ोन चल रहा है, एक दो जनों को पूछा उनको समझ नहीं लगा, वो मैप्स ज़रूर थोड़े से काम आए वो बंदे के। चलो फाइनली अब पहुँच जाऊँगा, हार्डली 10-15 मिनट्स और लगेंगे, पहुँच जाऊँगा भाई, बुरी हालत होगी मेरी गर्मी से, तो शुक्र है भाई मौसम भगवान ने अच्छा किया हुआ था, नहीं तो आज ख़त्म था मैं, चलो मिलता हूँ, पहुँचने दो मैं घर जल्दी जल्दी, बाय। ओ भाई मुझे बहुत बुरी हालत हो गई, चलो ख़त्म हो गया हूँ मैं, ख़त्म, इधर इधर से आ रहा हूँ फिर से वापस, उधर से जा रहा था अब इधर से फिर वापस आ रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही आगे चला गया, कुछ बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया, तो ये तो शुक्र है मेरी इंटरनेशनल रोमिंग ऑन है, उसमें पैसे डलवाए हुए हैं मैंने, तो मम्मा का कॉल मेरे को आ सकता है, मेरी इनकमिंग ऑन है, आउटगोइंग ऑफ है, तो मम्मा का कॉल मेरे को आ गया, उनके साथ टच में हूँ मैं, तो उन्होंने चाचू को नंबर दिया मेरा ये वाला इंडियन नंबर, तो उनका कॉल आया, उन्होंने समझाया मेरे को फाइनली, अब यहाँ पे मेरे को लाइट से राइट लेना है, अरे रब्बा गाइस 4:40 हो गए हैं, 2 आवर्स हो गए मेरे को पैदल चलते हुए, मतलब टोटल तो 1 बजे का निकला हूँ घर से, 1, 2, 3, 4, 5, 4 घंटे हो गए मेरे को पैदल चलते हुए, पैर मेरे ख़त्म हो चुके, ऊपर से शूज़ में दूसरे डालाया कैजुअल्स नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ डालने भूल गया,
बुरी हालत हो गई भाई मेरी, भाई हमें तो चला भी नहीं जा रहा है, इतनी बुरी हालत है। चलो भाई हमें को पहुँचने दो, जैसे तैसे घर में फिर ही मिलूँगा घर जाकर। भाई जन्नत मिल गई भाई, जन्नत मिल गई भाई, घर मिल गया, ओ घर मिल गया। ओए होए, 2 घंटे पागलों की तरह चल के फाइनली, शुक्र है रब्बा तेरा, लाख लाख फ़ोन में पैक था, बात होगी नहीं तो ख़त्म था आज। ओए ओ भाई, बाय बाय, हमें फ्रेश हो गए, फिर मिलता हूँ भाई। चलो जी भाई 10 मिनट हो गए, मैं बोल रहा हूँ पागलों की तरह, मेरे को लगा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है, अब देखा वीडियो रिकॉर्डिंग ही ऑफ है, सारा कुछ बक दिया पागलों की तरह। चलो एनी हो, शुरू करते हैं। सो गाइस टाइम हो गया अभी अराउंड 6:45, मैं आ गया था 5 बजे घर पे, काफ़ी रास्ता भटक गया था आपने देखा ही, जैसे फाइनली मिल गया, कैसी तरह पूछ पाछ के आ गए हम, बहुत मुश्किल से, बहुत गर्मी थी, आ गया, आके नहाया धोया कुछ खाया, पिज्ज़ा वगैरह रात को गए थे पिज्ज़ा खाने तो बचा हुआ था तो वो खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद मैं नहाने चला गया, बस नहा के अब फ्री हुआ हूँ, चाचू के साथ चाय वगैरह पी है, और चाचू थोड़ी देर अंदर रेस्ट कर रहे हैं और मैं बैठा हूँ बाहर लिविंग रूम में, लिविंग रूम, और बस थोड़ी देर में अभी घूमने जाएंगे, सिटी घूमेंगे आज, देखेंगे क्या क्रिसमस का माहौल है, और घुमाएंगे आपको भी, ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा मैं आगे। हाँ तो गाइस बात करते हैं बैंक की और उसके डॉक्यूमेंट्स की। सो जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप कॉमनवेल्थ में बैंक खुला अपना अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि दैट्स द बेस्ट बैंक फॉर द स्टूडेंट्स एंड या फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बिकॉज दे डोंट चार्ज एनी एनुअल चार्जेस, ओके, और कोई भी उनके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, इट्स ऑल फ्री फॉर द स्टूडेंट्स। जो आपके डॉक्यूमेंट्स मेरे से उन्होंने मांगे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो मेरे लगे वो था एक मेरा पासपोर्ट, माय वीज़ा एंड माय COE, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, ओके, बस ये 3 चीज़ें लगी, उसके अलावा मेरा लगा ड्राइविंग लाइसेंस, इफ़ यू हैव इंडियन लाइसेंस दैट्स ऑल्सो वैलिड, एंड इफ़ यू हैव ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस दैट्स ऑल्सो गुड, और उसके अलावा उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास कोई टैक्स पेइंग आईडी है, तो मैंने अपना पैन कार्ड दिया। अगर जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके पास उनका पैन कार्ड नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप अपना पैन कार्ड ज़रूर लेके आओ, ठीक है जी। और अराउंड 15-20 मिनट्स लगे, स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था, उन्होंने मेरा बहुत जल्दी जल्दी काम कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट उसमें हम फर्स्ट टाइम में कर सकते थे $1,000, अपनी मर्जी 100-200, तो मेरे पास जितने थे मैंने उसमें डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। और जो मेरा कार्ड था वो विद इन 7 to 10 days आ जाएगा घर पे। और हाँ, आपके पास एक ऑस्ट्रेलियन नंबर होना मैंडेटरी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव का दे सकते हैं ऑस्ट्रेलियन नंबर, और जब आपके पास आपका नंबर आ जाए तो आप उनको कॉल करके अपडेट करवा सकते हैं अपना नंबर और एड्रेस, पहले आप एड्रेस किसी का भी दे सकते हैं क्योंकि कार्ड आपका आपके एड्रेस पर डिलीवर होगा, तो आप जिनके पास रह रहे हैं या जिनके पास भी हैं तो वो एड्रेस भरें, अगर आपने अपना अकोमोडेशन ले लिया तो आप उसका भर सकते हैं, वेल एंड गुड, ठीक है जी। तो यही डॉक्यूमेंट्स थे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिग्नेचर्स लिए उन्होंने मेरे, बस यही था डॉक्यूमेंट्स, आपको मैंने बता दिया, पासपोर्ट, COE, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, या दैट्स ऑल, बस घूमने जा रहे हैं अभी और ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, बहुत खज्जल हुआ बट कोई नहीं, एंड में हमें घर मिल गया, सो फार सो गुड। बाकी कोई भी क्वेरीज हैं वो हों, कोई भी क्वेरीज हों आपकी, फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल, ओके। और चलो चलते हैं अभी आगे घूमने फिरने, फिर आपको दिखाते हैं माहौल, और एक मैंने चीज़ परचेज़ करनी है, देखो आज होती है, कल होती है, कब होती है, वो आज ऐसे भी आपको दिखा दूंगा, और चलो मिलते हैं आगे। गाइस अभी आए हम घूमने पैरामेटा वेस्ट फील्ड और सॉरी हैरिस पार्क के पास, और ये घर जाके दिखाता हूँ इसमें सरप्राइज, अभी घूम फिर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा मॉल बना हुआ है, कुछ खाने पीने जा रहे हैं अब, मॉल बहुत सुंदर बना हुआ है, मैं आगे जाके मिलता हूँ आपको, दिखाऊँ। बर्गर ऑर्डर दिया मैंने वेज, तो मैकडी पे कुछ वेज नहीं मिला, तो मैं यहाँ आया हूँ बर्गर खाने के लिए, देखो रश देखो जरा एक बारी, बहुत ज़्यादा रश है, वो पड़ा हमारा सामान रेड थैले में, घर जाके अनबॉक्स करूँगा इसे, अभी बर्गर के वेट कर रहे हैं, बर्गर आ जाए, फ्राइज कोक गिफ्ट, इसमें बर्गर खा चुका मैं, फ्राइज वुल्सवर्थ
बिगेस्ट सुपर मार्केट है, बिगेस्ट सुपर मार्केट चेन है ये। सही है सही है सही है। डेकोरेशन देख लो क्रिसमस की। बहुत ज्यादा रश है। हैरिस पार्क सारा मिनी इंडिया है। हर एक सारी इंडियन ग्रोसरीज, इंडियन रेस्टोरेंट्स, टोटली इंडियन। यहाँ पे आगे लगेगा इंडिया में आ गए। लंगर स्ट्राइक्स नम नम बेकरी इंडियन रेस्टोरेंट। अभी तो लेट हो गया इसलिए रश कम है, तो बहुत ज्यादा रश होता है इधर। वो सामने गोलगप्पे वाली आंटी बहुत फेमस है। फ्लेवर्ड पानी पूरी, इंडियन चॉपस्टिक्स। आएगा कौन सी? खा लूंगा एक। तो हाँ जी गाइस, हम आ गए अभी घर पे। अभी टाइम हो गया है 10:30, ऑलमोस्ट 11:45 हो गए, 10:45 हो गए हैं। हम अभी घर जाके आए हैं। हम गए थे आज पैरामेटा कियाडा था वो, हैरिस स्ट्रीट, वहाँ पे गए। सारा इंडियन स्टाइल था वहाँ पे, टोटली इंडियन स्ट्रीट थी। फिर उसके बाद हम गए वहाँ पे जो शॉपिंग सेंटर है, बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर था, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। और वहाँ पे हमने कुछ लिया जिस चीज़ का मेरे सबसे ज़्यादा वेट था, तो चलो उसको अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं। टन 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 टन। सो गाइस, ये है मेरा न्यू फ़ोन, iPhone 13 Pro Max। ये उनके पास सिर्फ लास्ट पीस बचा हुआ था, वो भी उन्होंने कितनी देर लगाई। तो कहते हैं वी हैव द लास्ट पीस अवेलेबल, इट्स इन सीरा ब्लू 256 GB वेरियंट। ठीक है, ये है। साथ में मैंने लिया है एक 20 watts का अडेप्टर, फास्ट चार्जिंग। और चलो अनबॉक्स करते हैं। टड़ंग टड़ंग, याओ। Yo man, Sierra Blue. Wow, it's so beautiful, man. Yo, Sierra Blue 256 GB. इसके साथ में डी वायर अडेप्टर हमने परचेज किया एक्स्ट्रा $30 का। जो फ़ोन मिला मुझे मिला $2019 अराउंड 111,000 INR। और यो, इसके साथ मैं एक कवर इंडिया से लेके आया था, क्योंकि यहाँ पे कवर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो मैं इंडिया से इसका कवर परचेज करके लाया था। गार्ड भी लाया हुआ हूँ, उसको कल लगाऊंगा। तो बैग के अंदर है गार्ड्स। चलो अब मैं फ़ोन को सेटअप कर लूँ और आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बहुत एडवेंचर हो गया भाई, बहुत आज खज्जल ख़राब हुआ मैं रोड्स पे। चलो जो भी है, काम हो गया ना अपना, बैंक अकाउंट खुल गया,
बढ़िया हो गया, अब स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। एनी हाउ सो फार सो गुड। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है। नेक्स्ट वीडियोस पूरा हमने अभी घूमना फिरना है, क्रिसमस आ गई, क्रिसमस पे घूमना है, सिटी घूमनी है, हार्बर ब्रिज वगैरह सब कुछ घूमना है, वो कैसीनो दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एंड और अच्छी क्वालिटीज़ के साथ, वीडियो क्वालिटी, क्योंकि अब सारी वीडियोज़ इसमें शूट होंगी, पहले एक्सेस मैक्स में होती थी और अब 13 प्रो मैक्स में शूट होंगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्टे सेफ एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड गुड बाय टाटा, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।